GNDS Academy YouTube चैनल पर तुहाड़ा स्वागत किया जाता जी। आप लैके आए अपनी अज की क्लास हिस्टरी की क्लास है जी। पहला इस तो 12 क्लासा हो चुकिया ने, उन्होंने भी जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन दे विच उन्हां दा लिंक पिया जी। सो ये तुहाडे लैक्चर आर्केडर दे एग्जाम दे विच वी काम आने वाली क्लासा ने। सो पेड बैचस की जानकारी जां बाय करन दे लई व्हाट्सएप ते मैसेज करो जां फिर गूगल प्ले स्टोर तो अपनी ऑफिशियल ऐप GNDS अकैडमी है जी उन्हों डाउनलोड करके भी तुसी बैच बाय कर सकते हो। सो बैच बाय करन तो बाद साढ़े नाल जी स्क्रीनशॉट है जां मैसेज दे राही अपना जी इनफॉर्मेशन है बैच की वो जरूर शेयर करिया तां कि असी तुहानू होर स्टडी मटीरियल ते जानकारियां प्रोवाइड करवा सकीए। सो आओ जी शुरू करते हैं आप अपना अज का टॉपिक जिस दे विच आपां दिल्ली सल्तनत का भाग दूजा करन जा रहे हैं। तो क्लास नंबर है जी अपना यह अज का 13। सो 13 नंबर क्लास है जी, आओ शुरू करिए। हाँ जी, पहला प्रश्न तुहानू दिखाई दे रहा होगा जी, कहिंदे दिल्ली सल्तनत उत्ते खिलजी वंश की स्थापना नूं किस नाम नाल जाणिया जांदा है। दिल्ली सल्तनत दे विच आपां जिवें पहलां करके हटियां कि गुलाम वंश का खात्मा हुंदा है, किस तरह फिर वंश है जिहड़े अगे वधदे आ, तां उहदे विच जिहड़ा खिलजी वंश है उहदी स्थापना नूं किस दे नाम नाल जाणदे आ इतिहास दे विच असीं। सो इस नूं खिलजी क्रांति कहा जांदा जी कि खिलजी क्रांति दे नाम नाल इहदी स्थापना जां इस वंश की स्थापना दे नाम नाल खिलजी क्रांति शब्द जुड़िया होया। अगे चलदे आ जी, कहिंदे कि दक्षण भारत दे विच उत्ते पहला मुसलमान हमला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दे समय होया ते इह किस शासक दे विरुद्ध सी। देखो भी दक्षण भारत आ ना जिहड़ा, ठीक है, इस दे उपर जिहड़ा पहला हमला हैगा वह पहले जिहड़ा मुसलमान हमला मतलब वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दे टाइम ते हुंदा, तो यह किहड़े शासक दे विरुद्ध हुंदा इह पुछया गया। मतलब दक्षण भारत दे विच उदों सब तो शक्तिशाली शासक किहड़ा सी, जां कह लो कि दक्षण भारत दा उह शासक किहड़ा सीगा जिस दे विरुद्ध पहला हमला हुंदा, तां इह सीगा जी देवगिरी का रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक सीगा जी रामचंद्र देव, उस दे विरुद्ध ही यह हमला हुंदा। सो प्लीज़ क्लास में लाइक जरूर करो, तो जेकर चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया हो सबसक्राइब करके बैल आइकॉन प्रेस कर लो, अपनी जी क्लास है उसकी अपडेशन तुहानू नोटिफिकेशन के थ्रू फिर ही मिलेगी जे तुसी बैल आइकॉन प्रेस करके रखोगे तो चैनल में सबसक्राइब करके रखोगे। सो हाँ जी अगे चलते हैं, कहिंदे जी दिल्ली सल्तनत दे साम्राज्यवादी युग की शुरुआत किस सुल्तान दे शासन तो हुंदी है। देखो भी दिल्ली सल्तनत है जिहड़ी ना पहला मतलब वह आपदा राज बचाउण वाली है, जां अंदरूनी विद्रोहां जिन्ना क हैगा राज भाग उहनूं अंदरूनी विद्रोहां नूं रोक के रखदी है। फिर दिल्ली सल्तनत दे विच इक अजिहा शासक आउंदा जिहदी नीति है जिहड़ी साम्राज्यवादी हुंदी है, सिकंदर वाली नीति हुंदी है। सिकंदर वांगू उह दुनिया जितना चाहुंदा हुंदा, पूरे भारत ते कब्जा करना चाहुंदा हुंदा, ठीक है। तो इस करके इन्ने वे ख्यालों वाला जोड़ा शासक है वो होर कोई नहीं गा, वह अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है जी। खिलजी वंश का वह महान शासक अलाउद्दीन खिलजी जिहड़ा अपनी साम्राज्यवादी नीति दे नाल जिहड़ा हैगा दिल्ली सल्तनत दे विच खिलजी वंश दे विच वड्डा योगदान पाउंदा है सुल्तान दे रूप दे विच, ते वड्डे पद्धर ते जिहड़ा हैगा अपने साम्राज नूं डिवेलप करदा है। किहड़े सुल्तान समय मंगोलां तों सब तों वध हमले होए, मंगोलां दे जिहड़े हैगे आ जी सब तों वध हमले किहड़े सुल्तान दे टाइम ते हुंदे आ, मंगोल आ जिहड़ी जाति वह किस सुल्तान दे टाइम ते सब तों वध हमले करदी आ। सो वह भी अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी दे टाइम ते सब तों वध जिहड़े मंगोल आ वह हमले करदे आ जी, ते इहनां नूं सफलतापूर्वक इन्हां हल्लिआं नूं इन्हां हमलिआं नूं रोकण वाला शासक आ जिहड़ा वह भी अलाउद्दीन खिलजी साबित हुंदा इस टाइम ते दिल्ली सल्तनत दा। अगे चलते हैं जी, देखो भी हुण 1303 दे विच इह जदों तुसीं अज वाले कर लेना तो तुहाडा खिलजी वंश का मतलब पूरा सर्जी हो जूगी, उहदी पूरी सर्जिकल हो जूगा, पूरा ऑपरेशन हो जूगा इह वंश दे विच। मतलब तुहानू इन्ने वधिया क्वेश्चन क्लीयर ते शॉर्टकट दे विच देखण नूं मिलणगे कि तुसीं होर क्लास मतलब जां होर चैनलां दे विच मतलब जो क्लासां तुसीं देखोगे वार वार जां ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਪਏ ਨੇ ਜੀ,
उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे विच जाके तुसीं जरूर ज्वाइन करो, टैलीग्राम लिंक पिया उहनू ज्वाइन करो, वह भी बिल्कुल फ्री है, तां कि तुहानूं हर एक अपडेशन ते जिहड़ियां जानकारियां जां जो फ्री स्टडी मटीरियल प्रोवाइड करवाया जांदा वह उत्थे मिलदा रहे। पेड बैचस है जिहड़े वह तुहानूं गूगल प्ले स्टोर तो अपनी ऐप है जिहड़ी ऑफिशियल GNDS अकैडमी उत्थों मिलणगे, उहनूं बाय उत्थों तुसीं बाय कर सकदे हो जे करना चाहुंदे हो, जिहदे विच तुहाडा लैक्चरर केडर हिस्टरी, लैक्चरर केडर पोलिटिकल, मास्टर केडर दे विच हिस्टरी, मास्टर केडर दे विच पोलिटिकल, ये चार बैचस ने जिहड़े तुहाडे चल रहे ने। सो कुछ रिकॉर्डड ते कुछ लाइव बैचस तुहानूं जिहड़े असीं प्रोवाइड करवाउंदे हां। सो आओ जी फिर आ जाइए आपां अपनी पढ़ाई ते। 1303 ईस्वी दे विच अलाउद्दीन ने चित्तौड़ नूं जित्तिया, चित्तौड़गढ़ दी जित्त बहुत ही महत्ता रखदी है अलाउद्दीन दे टाइम ते। इस तों पहलां चित्तौड़ आ जिहड़ा उह किसे ने वी नहीं जित्तिया सी, जिस तों बाद उसने चित्तौड़ नूं की नाम दिता। हुण देखो वी जिहड़ा चित्तौड़ दा किला है ना, इहनूं फतेह किसे ने नहीं कीता सी इस तों पहलां, ते इहनूं जित्तदा अलाउद्दीन खिलजी। तुसीं मूवी देखी होऊगी पद्मावत, ठीक है, टोटली उहदे जिहड़ी उह मूवी दी थ्योरी है जां किलो दी स्टोरी है, ये चित्तौड़ दी कहानी है, ठीक है, काफ़ी साथियों दे याद आ गई होगी कहानी किस तरह जौहर प्रथा होंदी है, किस तरह फिर वह सती हो जाती है, मतलब उस प्रथा दे विच राणी पद्मावत। तो अलाउद्दीन है जिहड़ा उह चित्तौड़ नूं जित जरूर जांदा है, तो जित के इहनूं एक नवां नाम दे दिंदा खिजराबाद दा। खिजराबाद दा नाम क्यों दिंदा है, क्योंकि वह अपने जिहड़ा शासक है गवर्नर उहदा नाम खिजर खां हुंदा है, ठीक है, जिहड़ा कि उहदा पुत्र ही है, तो उहदे नाल रिलेटड इहदा नाम पैंदा खिजराबाद। इस तों अगे चलदे हां जी, अलाउद्दीन ने देव मूल योगदान नाल धरती अत्याचार मुक्त हो गई। देखो कहिंदे इह किसे दी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंटां नूं भी जरूर पढ़ियो, मोस्टली NCERT दीआं स्टेटमेंटां नूं फॉलो करियो, अपने पेड बैचस दे विच इहनां चीज़ां नूं आपां डीपली करदे हां। सो अलाउद्दीन ने जिहड़ा हैगा जी देव मूल योगदान दे नाल, मतलब देव रूपी आपदे योगदान दे नाल उहने धरती दे अत्याचारां नूं मुक्त करता, जिहड़ी धरती ते अत्याचार हो रहे सी कहिंदे उहनां तों मुक्त हो गए, हो गई धरती, जिहड़ा उहदा योगदान सी देव रूपी। इह किस शिलालेख दे उपर अंकित है, सो इह शिलालेख दा नाम है जी, इस शिलालेख दा जिहड़ा नाम आ उह जोधपुर तों दे संस्कृत शिलालेख है जी, जोधपुर का एक शिलालेख है जिन्हों संस्कृत शिलालेख कहा जाता है, उत्थे ये शब्द जिहड़े सानू उपरे हुए मिलते हैं। अगे चलते हैं जी, अलाउद्दीन ने मुगोलों तो सामराज की रक्षा लई अपनी नवी राजधानी कित्थे बनाई। अलाउद्दीन है जिहड़ा मुगोल उस दे टाइम ते वड्डे हमले करदे है, उहनां दा मूँह तोड़ जवाब दे रहा है, तो बट नाल दी नाल उहनूं इह भी चिंता हुंदी है कि किते राजधानी है जिहड़ी उहदी नेड़े होण करके जे किते युद्ध दे विच हारदा हो तां उहदी राजधानी ते कब्जा हो के उहदा उहदी पूरी सल्तनत है जिहड़ा जिहड़ा उहदा पूरा सामराज आ किते उही ना जिहड़ा रख्या तों वांझा हो जाए, तो उहदा जिहड़ा मतलब सामराज आ उह मंगोलों के अंडर चले जाए। इस करके वह अपनी राजधानी नूं परिवर्तित करदा है ते अपनी राजधानी बनाउंदा है सीरी, ठीक है जी, सीरी नाम दे स्थान ते वह अपनी राजधानी बनाउंदा है मंगोलों तों सामराज की रख्या दे लई। अमीर खुसरो ने विश्व सुल्तान, धरती दे शासकां दा सुल्तान, युग दा जेतू, जनता दा चरवा किहनूं कहा? अमीर खुसरो है जिहड़ा अपनियां रचनावां दे विच इह जिहड़े वर्ड ने उह यूज करदा है एक शासक दे लई, तां उह शासक किहड़ा है? तां उह अलाउद्दीन खिलजी है। सो टोटली तुहाडा इह टॉपिक खिलजी वंश दे विच सब तों महान शासक अलाउद्दीन खिलजी दे दुआले घूमण वाला है। काफ़ी तुहानूं जिहड़े हैगीआं जानकारियां मिलणगीआं, काफ़ी तुहानूं जिहड़ियां हैगीआं नवीआं ते काफ़ी तुहाडीआं पुराणीआं जानकारियां नाल संयुक्त क्लास है। क्लास दे एंड तक जरूर बने रहो, पर उस तों पहलां क्लास नूं लाइक जरूर कर लो, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो, तो बैल आइकॉन नूं प्रेस करके रखो तां कि हर एक क्लास की अपडेशन है जिहड़ी उह तुहानूं मिलदी रहे। सो आपां क्लासां जिहड़ियां हैगीआं जी 12 PM ते एक टाइम जिहड़ा आपां 5 PM, ये दो टाइम आपां करन जा रहे हैं। पहला अपनी 5 PM क्लास लगती सी डेली, सो हुण आपां 12 PM भी मतलब जिहड़ा हैगा क्लास नूं लगाया करांगे, वह भी तुहानूं क्लास एवें मिलिया करूगी। सो इस टाइम ते तुसीं इस चैनल ते दे नोटिफिकेशन है जिहड़े जरूर चैक करिया करो, बैल आइकॉन नूं प्रेस करके, जां वट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दिते हुए ने, उत्थे भी तुहानूं इह जानकारियां जिहड़ियां प्रोवाइड करवा दित्तियां जांदियां। सो जिहड़ा ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 12 ਵਜੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 5 ਵਜੇ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਫਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ MCQ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MCQ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
उन्हां नूं भी जरूर देखिया करो। सारियां क्लासां नूं फ्री दे विच देखण दे लई डिस्क्रिप्शन दे विच जाओ ते प्लेलिस्टां दे मुताबिक जिहड़ा हैगा तुसीं इस नूं जरूर अपना पढ़ाई नूं इहदा अपना एक साधन बना के ते कामयाबी हासिल करो। सो अगे चलदे हां जी। अलाउद्दीन का जिहड़ा दरबारी कवि सी, अलाउद्दीन का दरबारी कवि कौन सीगा जी? वह अमीर खुसरो सी जी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि सी जिहड़ा उसनों जुग जेतू, ठीक है, जनता का चरवाहा, इहो जिहियां उपाधियां दिंदा है। अलाउद्दीन के बाजार प्रबंधन की जानकारी कित्थों मिलती है? सो मार्केट रिफॉर्म ने जिहड़े जी अलाउद्दीन के, वह सब तो जिहड़े हैगे आ वध फेमस ने, ठीक है, आपां सारे जानदे ही हाँ। सो इन्हां दी जानकारी सानूं कित्थों मिलदी है? इहदी जानकारी सानूं मिलदी है जी तरीके फिरोज़ शाही, तरीके फिरोज़ शाही दे विच्चों सानूं पता चलदा है कि अलाउद्दीन दा बाजार प्रबंधन है जिहड़ा उह किहो जिहा सी। डीपली सारियां तरीके फिरोज़ शाही दे विच होर की लिखिआ है, किहने लिखी है, सारियां जानकारियां बाजार प्रबंधन किहो जिहा सी उहदीआं डीपली जानकारियां तुहानूं पेड बैचस दे विच मिलणगीआं। मास्टर ग्रेडर दा जिहड़ा बैच लाइव चल रिहा है ते रिकॉर्डड बैच है जिहड़ा लैक्चरर ग्रेडर हिस्टरी दा, उन्हां दे विच तुहानूं जानकारियां प्रोवाइड करवाईआं गईआं ने। अगे चलदे हां जी। जवाबित की सी? देखो भी जवाबित एक शब्द है, ये की सीगा? कहिंदे जवाबित की सीगा, मे वी बहुत सारे साथियों लई नवां प्रश्न होवेगा। सो जवाबित आ जिहड़ा है जी राज कानून नूं कहा जांदा सी। अलाउद्दीन खिलजी दे टाइम ते, खिलजी वंश दे टाइम ते राज कानून नूं जवाबित कहिंदे सीगे। दिल्ली सल्तनत दा पहला सुल्तान कौन सी जिसने सेना नूं नगद तनखाह दित्ती? हुण देखो भी पहला जिहड़े शासक आ ना उह सेना नूं युद्ध ते लिआंदे आ, लड़दे आ, जित तों जिहड़ा लुट मार दा धन आ जिहड़ा उह जो मिलदा है, ठीक है, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਗਦ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਗਦ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿ ਨਗਦ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਗਦ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੀਵਾਨ ਏ ਮੁਸਤ ਖਰਾਜ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਏ ਮੁਸਤ ਖਰਾਜ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲੀਫਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਸਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਲੀਫਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਜੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਿਕੰਦਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਏ ਸਾਨੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਏ ਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਸੀ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਜਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਏ ਸਾਨੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਏ ਸਾਨੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਿਕੰਦਰ ਏ ਸਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ
खिलजी ये जड़ा है वह संबंध जुड़ता है खलीफा का। ये चीज पॉइंटा दोनों ध्यान च रखना। उस तो अगे है जी बाजार कंट्रोल मंडी सुधार प्रणाली किसने शुरू की। हुण देखो जी बाजार रिफॉर्म है जिथे भी मंडी सुधार आ गए तो चुप करके अलाउद्दीन खिलजी का नाम ला दो। अलाउद्दीन खिलजी तो बिना होर किसी ने भी मंडी सुधार ज कह लो कि बाजार कंट्रोल प्रणाली डिवेलप नहीं की उस पद्धर की। ठीक है मौजूदा जो मंडी प्रणाली जो जो बाजार कंट्रोल चल रहे हैं ठीक है ज उस तो बाद चले तो उदियाँ जड़ा जड़ियाँ अलाउद्दीन की प्रणाली के नाल ही जुड़िया हुई ने कित ना कि। सो प्लीज़ क्लास में लाइक जरूर करो, चैनल में सबसक्राइब जरूर करो, बैल आइकॉन प्रेस करके रखो ता कि हर एक क्लास की अपडेशन तुहानू मिलती रहे। पेड बैचस की जानकारी दे लई हुणे व्हाट्सएप मैसेज ते तुसी व्हाट्सएप कर सकते हो जां गूगल प्ले स्टोर तो अपनी ऑफिशियली ऐप GNDS अकैडमी तो बैच है जिहड़े बाय कर सकते हो। सो फुली डीपली नोट्स जिहड़े हैगे तुहानू IAS UPSC लैवल दे जिहड़े नोट्स वो प्रोवाइड करवाने असीं ठीक है जी इस बैचस दे विच। सो तुसीं इहदी जानकारी दे लई साडे नाल हुणे ही व्हाट्सएप जां कॉल दे राही अपना राबता कायम करो। लैक्चरर कैडर हिस्टरी, लैक्चरर कैडर पोलिटिकल साइंस, मास्टर कैडर हिस्टरी ते मास्टर कैडर पोलिटिकल साइंस के बैच जिहड़े अपने मौजूदा समय के चल रहे हैं जां रिकॉर्डड तुहानू प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सो हाँ जी अगे चलते हैं मदुरई तक। मदुरई एक इलाके का नाम है जी। उत्थों तक सफलतापूर्वक अगे वधन वाला दिल्ली का जनरल कौन सी। सो दिल्ली का वो जनरल जिहड़ा दक्षण भारत के मदुरई तक अगे चलिया गया तो वह सीगा जी मलिक कफूर है जिहड़ा वह मदुरई तक अगे चलिया गया सी दिल्ली का जनरल सी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। दाग अते हुलिया प्रणाली शुरू किसने किया। दाग अते हुलिया प्रणाली शुरू किसने किया जी अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग अते हुलिया प्रणाली शुरू करने वाला शासक है जिहड़ा वह खिलजी सीगा जी। दाग के तहत घोड़ियां जिहड़ा हैगा दागिया जांदा सी ठीक है ता कि उन्हां दा रिकॉर्ड रखा जा सके कि वह मतलब सेना के घोड़े ने। तो हुलिया प्रणाली के तहत जिहड़ी सेना हुंदी सीगी ठीक है जी उहदा हुलिया जिहड़ा हैगा वह नोट कर लिया जांदा सीगा वी इहदा इहो जिहा नक है इहो जिहियां दी अक्खां है इन्ना कद है इन्नी लंबाई है ठीक है टोटल उहदा एक मतलब पेंटिंग के रूप के भी उहनूं एड लै बना के ते जां उहनूं मतलब जिहड़ा हैगा लिख के नोट करके चीज़ां नूं नोट रखा जाता सी। सो ये प्रणालियाँ अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू कीतियां सी अपने सैनिक सुधारां दे लई ठीक है जी। तो जिहड़े हैगे ने लहू ते लोहे की नीति उहनूं शुरू कीता सी जी बलवन ने। लहू ते लोहे की नीति नूं शुरू कीता सीगा कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हो तुसीं। लहू ते लोहे की नीति है जिहड़ी उह शुरू कीती सीगी जी बलवन ने ठीक है। तो एक बलवन ने होर कार्ज कीता सी उह सीगा जी सिजदा ते पाएबोस ठीक है। सिजदा ते पाएबोस इहदा संबंध भी बलवन दे नाल ही है। इह भी बलवन ने शुरू कीता सी ठीक है जी। सिजदा करना चुक के सिर नमा के जिहड़ा हैगा अपना सलाम करनी सुल्तान नूं ते पैरां ते जिहड़ा हैगा गोडियां भार हो के ठीक है नीचे मुद्दे मतलब हो के सिर पैरां ते धर के सुल्तान दे उहनूं पाएबोस करना जां उहदे चरणां नूं चुंबना इह नीतियां सीगियां जिहड़ियां दोनों बलवन दे नाल संबंधित ने। दाग ते हुलिया प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी दे नाल संबंधित ने। कई बार उत्थे आपां कन्फ्यूज़ हो जांदे आ। अगे चलदे आ जी। कहिंदे किस ने भूमिकर वजों उपज दा अद्धा हिस्सा वसूलना शुरू कर दिता। भूमि दे टैक्स दे रूप दे विच इन्हें 1/2 प्रणाली लागू करती सी भी भाई जे 100 किलो चीज़ हुई है तो 50 किलो मेरी ते 50 किलो तेरी जिन्हें पैदा की है ठीक है। सो इस तरह ये जिहड़ा हैगा उपज वसूलना शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। सो ये संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है किहड़ा सुल्तान नवा धर्म चलाना चाहता सी पर उलेमा ने उसका विरोध किया। सो एक तुहानू पता है भी अकबर ने चला ही दिता सीगा ना अकबर इलाही वाला जिहड़ा दीन इलाही वाला धर्म सीगा जिहदे विच अल्लाहू अकबर ठीक है वाला नारा दिता सी ये तो अकबर ने चला ही दिता सी। ये बाद दा टाइम है बट इत्थे चलाउण दी कोशिश कीती सी पूरा प्लैन बना लिया सी पर उलेम है जिहड़े उलेमा ने इन्होंने यदा विरोध कर दिता तो फिर ये जी नीति है उन्हें वापस ले ली सी तो वह भी शासक अलाउद्दीन खिलजी सीगा जी ठीक है जी। सो अपनी ये क्लास सीगी जी। थैंक्स फॉर वाचिंग। तुहाडी क्लास जी समाप्त हो गई है। प्लीज़ क्लास में लाइक जरूर करो, शेयर भी जरूर करो, जेकर चैनल में सबसक्राइब नहीं किया हो सबसक्राइब भी जरूर करो, बैल आइकॉन प्रेस करके रखो ता कि हर एक क्लास की अपडेशन है जी तुहानू मिलती रहे। लैक्चरर ते मास्टर कैडर के क्लासा तुहाडे मोस्टली काम आने वाली ने।
ਸੋ ਇਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਬੈਚਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਪ GNDS ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੈਚ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਪੇਡ ਬੈਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।